आदरणीय पेरेंट्स एंड माय डियर चिल्ड्रंस, नमस्कार। हम सभी लगभग पिछले 3 महीने से COVID-19 महामारी के कारण अपने अपने घरों में बंद हैं। थोड़ी बहुत छूट चल रही है, लेकिन ये छूट फिलहाल हमारे लिए नहीं है। इस माध्यम से आप सबको पहले भी कुछ मैसेज दिए गए, बहुत सारी बातें दिल में थी और विचार था कि आपके साथ एक लंबी मीटिंग की जाए, इसलिए आपके सामने उपस्थित हुआ। इस समय में टेलीविज़न का प्रयोग बढ़ गया होगा, मोबाइल आप ज़्यादा देखते होंगे, कर भी क्या सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ये जीवन है, जिंदगी की गाड़ी कभी छूटती नहीं है और ना ही कभी रुकती है। बस हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं और ये गाड़ी उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ रही है। और अब ये वाला समय जब निकल जाएगा तो हमें इस गाड़ी को फिर से पकड़ना पड़ेगा। अगर तो हम साथ साथ में मेहनत करते हैं और पूरा अभ्यास करते हैं कि इस गाड़ी को कैसे पकड़ना है, तो इसको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए थोड़े दिन ये देखने के बाद में कि अब ये समय लंबा खींचने वाला है, तो हमने भी अपने आप को एक्टिवेट किया और आपको भी एक्टिवेट करने की कोशिश की गई। आपके जल्दी जल्दी से ग्रुप बनाए गए। ये COVID-19 की महामारी, इसमें एक चीज तो जरूर अच्छी हुई कि हम सब आपस में जुड़ गए। बहुत बार कोशिश की गई कि सारे साथ में जुड़ जाएं, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद में भी हम 50% पेरेंट्स को भी ग्रुप में नहीं जोड़ सके, लेकिन इसके कारण आज 98% पेरेंट्स ग्रुप के साथ, स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ नए बच्चे जो अभी स्कूल में आना चाहते थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करके भी अपने आप को साथ में जोड़ा और उनको भी अब आपकी तरह ही, जैसे आपको होम असाइनमेंट्स दी जाती है, उनको भी दी जाती है। कितना अच्छा हो गया, एक परिवार जो इतनी देर से जुड़ा नहीं था, इसके कारण जुड़ गया। एक और अच्छी बात हो गई, मोबाइल जिसको केवल व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए या ऐसे ही चैटिंग करने के लिए यूज में लाते थे, आज पता चला कि मोबाइल को हम सही तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं। आज चाहे थोड़ा आप इसका प्रयोग कर रहे हैं और उसमें से कुछ सीख रहे हैं। कोशिश की गई, आपको रिजल्ट्स भी इसी के मैसेज द्वारा आपको भेज दिए गए और फिर जल्दी जल्दी से आपको होम असाइनमेंट, पहले नोट्स भेजने शुरू किए, आप उसको उतारते थे, टीचर कुछ एक्सप्लेन करके वीडियो भेजते थे। कोशिश की गई कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ तो कुछ करना ही था, ऐसे खाली तो बैठ नहीं सकते। कई लोगों ने फिर बातें भी करना शुरू कर दी, ये शोशेबाजी है, इस तरह से है, इस तरह से है। अब क्या कर सकते हैं भाई, यही एक तरीका था जिसके द्वारा हम आपस में जुड़ सकते थे।
और कुछ नहीं करने से कुछ थोड़ा बहुत करना भी अच्छा है। बच्चे कम से कम अब बैठते हैं, काम करते हैं, खाली तो नहीं रहते, ये सोच करके थोड़ी संतुष्टि होती है। यू हैव टू चिल्ड्रन एंड आई हैव 700 स्टूडेंट्स, आई हैव टू थिंक अबाउट द 700। इसलिए ये माध्यम चुना गया, शुरुआत की गई, अच्छी शुरुआत हुई, अच्छे से बच्चे जुड़ते गए और खुद कोशिश करके बच्चों ने कहा कि हमें भी जोड़ा जाए। अब धीरे धीरे और कोशिश की जा रही है, टीचर्स के वीडियो बनाने शुरू किए, उनमें भी कुछ कमियां थी, कोई साउंड की प्रॉब्लम आती थी, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया जा रहा है और इम्प्रूव होंगे। पहले छोटे छोटे वीडियो बनते थे, अब कोशिश करके हम बड़े बड़े वीडियो जो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करें बनाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। मेरी कोशिश होती है हर एक क्लास के लिए कम से कम एक वीडियो जाए, आगे से कोशिश करेंगे कि हर क्लास के लिए कम से कम 2-3 वीडियो डेली के जाएं जो एक्सप्लेन करें, जस्ट लाइक ए पीरियड इन द क्लास। थिंक इट व्हेन यू लिसन दिस वीडियो, वी आर सिटिंग इन द क्लास एंड टीचर इज एक्सप्लेनिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। यही थोड़े समय के लिए हमारे लिए स्कूल है और टीचर मेहनत कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप भी मेहनत करें, उसका फायदा उठाएं। ज्यादा फायदा नहीं होगा, 10%, 20%, 50%, बार बार सुनने से कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे और जितना रह जाएगा, मैं आप सबको, पेरेंट्स को और आपको गारंटी देता हूं कि आपका हर एक लेसन करवाया जाएगा, हर एक चैप्टर करवाया जाएगा। हम छुट्टियां कम कर लेंगे, संडे को छुट्टी कम कर लेंगे, लेकिन हम अपना काम पूरा करेंगे, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय सही होगा तो सब कुछ ठीक होगा। सबसे पहले हमें आप सबकी सेहत की चिंता है और किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। हम सब एक परिवार जैसे हैं, एक दूसरे की मुश्किल सुनेंगे, हल करेंगे, लेकिन पहले अब केवल और केवल सेहत और साथ साथ में बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। डियर पेरेंट्स, इस समय में आपका रोल बढ़ गया। पहले कभी कभी बात होती थी तो आप कहते थे हमारे पास समय नहीं है, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन अभी समय ही समय है। पिछले कुछ दिनों में हम बिल्कुल फ्री अपने बच्चों के पास थे, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास बच्चों के लिए ही है। बच्चों के लिए समय निकालें, उनको होम असाइनमेंट करने में मदद करें, और नहीं तो कम से कम उनका एक टाइम टेबल निश्चित कर दें, उनके टाइम मैनेजमेंट में उनकी मदद करें। सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, सुबह उठ करके अपनी नित्य क्रियाएं करने के बाद में थोड़ा बहुत परमात्मा का नाम लेना, पूजा पाठ करना, जिस तरीके से भी आप करते हैं, और फिर एक निश्चित समय में खाना खाने के बाद में पढ़ने के लिए बैठ जाना, वीडियो जो अपलोड हुए हैं उनको देखना, होम असाइनमेंट जो आई है उसको करना, अगर कुछ नहीं आया है तो पिछले को रिवाइज करना। उस सारे के लिए एक टाइम निश्चित करें, 9 बजे बैठते हैं तो 1 बजे तक बैठें, बीच में थोड़ी ब्रेक दे दें, लेकिन कम से कम उनको लगे कि वी आर सिटिंग इन द स्कूल। यही एक रास्ता है जिसके साथ हम उनको बिजी रख सकते हैं, और ये केवल आपकी मदद से। हमारा या टीचर का वहां आना, इट इज इम्पॉसिबल, वी कैनॉट गो अप टू द 700 स्टूडेंट्स।
केवल आप अगर मदद करें तो हमारा काम ठीक और पूरा हो सकता है। बस बड़ी बार मीटिंग हुई, बहुत बार बच्चों से बात करते, मैंने एक दो शब्द उनको बोले थे, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हमें कामयाब करती है। सेल्फ डिसिप्लिन्ड मैन कभी भी नाकामयाब नहीं होता। एक जीवन में अनुशासन होना चाहिए, और वो डर का अनुशासन नहीं, अपने अंदर का अनुशासन। जो माँ बाप अपने बच्चों के अंदर आत्म अनुशासन पैदा कर लेते हैं, फिर उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद पता हो हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना है वो किस समय करना चाहिए। ये सारी चीजें सेल्फ डिसिप्लिन में आती हैं, और ये सारी चीजें माँ बाप बच्चों को सिखा सकते हैं। और अब तो खाली समय है, उसमें सिखाना और आसान हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे, आप जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो मिल जाएगा। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है? मेरे पिताजी कहते थे FD की जरूरत नहीं है, अगर बच्चों को अनुशासित कर दिया तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी FD और पूंजी यही है। हम उस पे जोर लगाएं। आज के समय में आदमी अपनी धन को इकट्ठा करने में, संचित करने में ज्यादा समय लगाता है, और बच्चों को अनुशासित करने में कम समय लगाता है। होना उल्टा चाहिए, बच्चों को अनुशासित करें, धन संचय अपने आप हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए जरूर समय निकालें और उनको हार्ड वर्कर बनाएं, मेहनती बनाएं, क्योंकि बिना मेहनत के जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना मेहनत किए हम फसल नहीं उगा सकते, बिना मेहनत किए माँ खाना नहीं बना सकती, बिना मेहनत किए बाप को तनख्वाह नहीं मिलती, तो बिना मेहनत किए बच्चे पढ़ कैसे लेंगे। उनको मेहनत ही बनाइए, हार्ड वर्कर बनाइए, हर समय अपनी धुन के पक्के हों और मेहनती बने। अगर जिंदगी में मेहनत नहीं है तो जिंदगी निष्फल हो जाती है, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं तितली उड़ती है, फूलों पे बैठती है, सब लोग देख के खुश होते हैं, लेकिन जब तितली पैदा होती है तो उसके अंडे होते हैं, वो एक खोल के अंदर बंद होते हैं, उसको कुकून कहते हैं इंग्लिश में। अंडा फूटता है, उसके बीच में कीड़े जैसा एक लार्वा निकलता है, धीरे धीरे उस लार्वे के अंदर उसके पंख निकलते हैं, फिर वो पंख वाला जीव धीरे धीरे उस कुकुन को अपनी मुख से उसके अंदर छेद करता है मेहनत के द्वारा, और जोर लगा करके बाहर निकलता है और उड़ जाता है और तितली बन जाता है। कहते हैं एक आदमी था, वो देख रहा था कुकुन के अंदर से वो जीव बाहर निकलने की, सुराख करने की, छेद करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मेहनत से उसने उसमें छोटा सा सुराख किया, बाहर निकलने की कोशिश करता है, जोर लगाता है, नहीं निकल पाता, थक करके पीछे गिर जाता है। वो आदमी मन में सोचता है इसकी मदद करनी चाहिए, कितनी मेहनत कर रहा है छोटा सा जीव,
अगर मैं इसको खोल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये बीच में से निकल जाएगा। और उसने ऐसा ही किया, उसने उसको बहुत बड़ा कर दिया। वो एक बार तितली ने पंख फड़फड़ाए तो सही, लेकिन वो उड़ नहीं सकी, नीचे गिर गई। उसका शरीर बहुत भारी था और वो फिर से उड़ ही नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद में वो तड़प तड़प करके मर गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसको जो मेहनत करनी थी उसने वो मेहनत नहीं की। अगर वो मेहनत के द्वारा एक छोटे छिद्र से बाहर निकलने की कोशिश करती तो उसके शरीर के अंदर जो पानी था वो पंखों के द्वारा सारा बाहर निकल जाता और वो तितली उड़ने में कामयाब हो जाती और मेहनत के द्वारा वो अपनी जिंदगी की जंग जीत लेती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो माँ बाप अपने बच्चों को मेहनती नहीं बनाते वो माँ बाप अपने बच्चों को उस तितली जैसा कर देते हैं। अपने बच्चों को मेहनती बनाएं, वो जिंदगी की हर बाजी जीत लेंगे। मेहनत के अलावा एक और सीढ़ी होती है जिसके द्वारा हम जिंदगी में तरक्की हासिल करते हैं, वो है धैर्य। अपने अंदर आत्मविश्वास, पूरी लगन, उसके द्वारा ही आदमी जिंदगी में कुछ हासिल कर सकता है। बिना असीम धैर्य के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ये आता कैसे है? उसके लिए सबसे पहले हमारा कुछ रोल मॉडल होना चाहिए, कुछ आदर्श होना चाहिए जिसको देख करके हम उस जैसा बनने की कोशिश करें, और एक सपना होना चाहिए कि हमने जिंदगी में ये हासिल करना है। और जब सपना और रोल मॉडल पक्का हो जाए तो फिर एक ही धुन हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, ठंड हो, गर्मी हो, हमें बस अपना रोल मॉडल और अपना सपना याद रहना चाहिए। अगर दिन में एक क्षण भी हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, मौज मस्ती की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो माफ करना, ये मेहनत का रास्ता हमारे लिए नहीं है, जिंदगी की तरक्की हमारे लिए नहीं है। हमें धुन का पक्का होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कोई स्टोरी देखते हैं, किसी को रोल मॉडल को देखते हैं, किसी आदमी को देखते हैं और हमारे अंदर भी कोशिश होती है कि हम भी उस जैसे बढ़ने की कोशिश करें, और जल्दी जल्दी से हम जोश के साथ लग पड़ते हैं और फिर मेहनत करते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और फिर धीरे धीरे उत्साह ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। हमने जो रोल मॉडल चुना, हमने जो सपना चुना, शायद वो हमारे काबिल ना हो, या हमारी रुचि के मुताबिक ना हो, या हमारी क्षमता के मुताबिक ना हो। जब भी रोल मॉडल चुने, जब भी अपना सपना चुने, तो अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा के अनुसार चुने। हमारे जीवन की रुचि क्या है उसके अनुसार चुने। अगर हम अच्छे से अपना रोल मॉडल और सपना सिलेक्ट कर पाएंगे तो फिर जीवन कभी नीरस नहीं होगा और मन कभी उबेगा भी नहीं और धैर्य पक्का होगा और फिर हम लगन के साथ काम कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जब ये अपनी कंसंट्रेशन, जो सोचने की शक्ति है, जो काम करने की शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए धैर्य एक बहुत जरूरी चीज है, और ये अपने बच्चों के अंदर पैदा करें।
और जब हम रोल मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं, अपना सपना हमने ये बनना है, वो पक्का और मजबूत इरादा कर लेते हैं, तो फिर एक बात जरूर ध्यान रखें, धुन के पक्के हो जाओ, किसी की बात नहीं सुननी है। ये दुनिया आगे बढ़ाने में, उत्साह देने में उतनी आगे नहीं है जितनी पीछे खींचने में है। ये ऐसे हो नहीं सकता, कोई पहुंचा ही नहीं वहां पे, तो आप कैसे पहुंच जाओगे? इस जगह पे जहां आप रहते हो, यहां पे रह करके वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये सारी नेगेटिविटी की बातें हमारे अंदर की पॉजिटिविटी को खत्म कर देती हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच जैसे कहते हैं हिंदी में, वो बहुत जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। फिर किसी की बात नहीं सुननी है, अपने ऊपर विश्वास करना है और चल पड़ना है। कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो चल पड़ते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। जब चींटी एक दाना लेकर के चलती है तो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाती है, चाहे वो बहुत बड़ा भी हो। इसलिए जब चलें तो कोई ध्यान नहीं, केवल अपनी क्षमता के ऊपर ध्यान होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक बार एक बहुत बड़ा तालाब था, उसके अंदर बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक दिन सारे मेंढक आपस में विचार करने लगे, हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसका कोई सरदार नहीं है, कोई सरदार निश्चित किया जाए। सोचने लगे क्या किया जाए, किस तरह से सरदार निश्चित करते हैं। तो उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा धातु का खंभा था। आप जानते हैं धातु जब मेटल जो खंभा था, वो उसकी जो सतह होती है बहुत मुलायम होती है, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है। तो प्रतियोगिता सिलेक्ट कर ली गई, जो इस धातु के खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा वही हमारा सरदार कहलाएगा। दिन निश्चित किया गया, लेकिन साथ साथ में बातें भी चलने लगी, इस पे कौन चढ़ पाएगा, ऐसे ही ये प्रतियोगिता गलत है, इस पे तो कोई चढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन प्रतियोगिता थी, तो प्रतियोगिता के दिन सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। अब वहां सब लोग जब इकट्ठे हुए हैं, तो जोर शोर से कुछ चढ़ने की तैयारी में जो सरदार बनना चाहते हैं, और कुछ लोग वही नकारात्मक सोच, बैठ के मजा लेते हैं, ये तो ऐसे ही फड़फड़ा रहे हैं, कोई नहीं पहुंच पाएगा, आज का दिन इनका व्यर्थ जाएगा, हड्डी पसली तोड़वा लेंगे। क्या देखते हैं, कुछ जा रहे हैं थोड़ी दूर, ऊपर से गिर रहे हैं, कुछ और आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या देखते हैं, उसमें बीच में एक छोटा सा मेंढक, वो भी कोशिश करता है, कुछ देख करके हंसते हैं, ये भी चले हैं सरदार बनने, लेकिन वो धुन का पक्का छोटा मेंढक धीरे 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 करता करता वो सबके ऊपर चढ़ गया, और कोई भी नहीं चढ़ पाया। सब लोग चिल्लाए कि आज से यही हमारा सरदार है। जब वो नीचे आया तो एक ने पीछे से पूछा, इतने बड़े बड़े मेंढक इस पे नहीं चढ़ पाए, ये आपने कैसे कर दिखलाया? तो एक पीछे से बोलता है, इसको क्या पूछते हो, ये तो बहरा है। उसके बहरेपन के कारण उसने किसी की बात नहीं सुनी, अपने अंदर की समर्था को लेकर के चला और उस धातु के खंभे पे चढ़ गया। जब सपना सिलेक्ट हो गया, जब रोल मॉडल सामने है, हमने तैयारी पूरी कर ली है, तो फिर बन जाओ वो बहरे मेंढक, अपनी क्षमता के ऊपर ध्यान दो कि
किसी की नेगेटिव बात पे कभी ध्यान मत दो, सफलता आपके कदम चूमेगी। आदरणीय अभिभावकगण, अपने बच्चों के अंदर इस तरह की समर्थता पैदा करो, इस तरह के अच्छे गुण पैदा करो। उनके अंदर टैलेंट है, उसको उभारने में उसकी मदद करो। आप सब भी ये कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों के अंदर मेहनत का गुण, धैर्य का गुण पैदा कर पाए, ये ही आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कौन माँ बाप है जो ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जिंदगी में कामयाब हो? और अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए जो सीढ़ी है उसको तो तैयार करना पड़ेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, समय का प्रयोग करें और उनके अंदर इस तरह के गुण पैदा करें, उनके रोल मॉडल सेलेक्ट करवाएं। बच्चे तो बच्चे हैं जी, वो नहीं जानते कि उनके आदर्श क्या है। हमने उनको आदर्श बताने हैं। आज के युग में ये मूवीज, उनकी कहानियां, ये टीवी सीरियल्स जो हम देखते हैं, उनमें जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनकी कहानियां, उनके गुण, ये देखकर के आपको लगता है कि हम, हमारे बच्चे ये बनने चाहिए? हमारे बच्चों के आदर्श तो बड़े होने चाहिए। श्री रामचंद्र जी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, ऐसे लक्ष्य बच्चों के सामने निर्धारित करें। आप दिखाएंगे उनको। और जिनको धनुर्धर बनने के लिए द्रोणाचार्य की जरूरत है, शिवाजी को शिवाजी बनने के लिए जीजाबाई जैसी मां की जरूरत है, और आपके बच्चे को कामयाब होने के लिए आपकी उंगली की और आपके समय की जरूरत है। आपसे दरख्वास्त है, इस समय का प्रयोग कर लें और बच्चों के अंदर अच्छे गुण पैदा कर लें, अच्छे संस्कार पैदा कर लें, वो राम जैसे बने। माँ बाप को किस तरह से इज्जत देनी है, बड़ों को किस तरह से सत्कार देना है, छोटे को किस तरह से प्यार देना है, ये सारे गुण उनके अंदर पैदा करें। उनको अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक, अच्छे लोग बनाएं। एक अच्छा आदमी दूसरे के लिए अच्छा सोच सकता है। अगर आप अपने बच्चों के अंदर इस तरह के गुण पैदा करने में कामयाब हो गए, आपका भविष्य भी सुरक्षित है। यही तो चीज है जो हम अपने बच्चों के बीच में पैदा करना चाहते हैं। अगर अच्छे गुण और अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर पैदा हो गए, बाकी चीजें अपने आप जिंदगी में आ जाएंगी। सच्चे इंसान हमेशा कामयाब होते हैं, इसलिए ये सत्य का गुण अपने बच्चों में जरूर पैदा करें। इसके साथ साथ जो भी आपकी होम असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, वो बच्चों को करवाएं, उसके लिए समय निकालें। इसके साथ साथ दिन में कुछ ना कुछ समय अपने बीच में निश्चित करें जिसमें बच्चों को कोई अच्छी चीजें सिखानी है। माँ घर का काम करती है, बच्चे को भी थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करें। बाप अगर कुछ करता है तो उसको भी सिखाने की कोशिश करें। इस समय हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे उनके अंदर एक गुण भी पैदा होगा और एक स्किल भी डिवेलप होगा, वो सीख जाएंगे।
छोटा मन जल्दी सीखता है और आप ऐसा कर सकते हैं। इस समय में देखो बच्चों ने यह चीज भी तो सीखी होगी, मां कितनी मेहनत करती है, सुबह उनके जागने से पहले जागती है, शाम को उनके सोने से बाद सोती है, सबके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना। बाकी लोग तो बैठे होते हैं, उनकी मेहनत निष्फल नहीं जानी चाहिए, और वो तभी होगा अगर बच्चे मेहनती होंगे। आपको बताता हूं, जिंदगी में हमेशा तरक्की करने के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल अपने माँ बाप हैं। ऐसे दोस्त जो कभी भी किसी को गलत मशवरा नहीं देंगे। माँ के द्वारा दी गई सुजेशन, पिता के द्वारा बताया गया रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। ये केवल दो शख्स हैं जो चाहते हैं कि आप तरक्की करें, इसलिए हमेशा उनको अपने रोल मॉडल माने, उनको अपने आदर्श माने, उनकी मेहनत को आंखों के सामने रखें। माँ के काम कर करके जो हाथों में लकीरें पड़ी हैं उनको आंखों के सामने रखें, और आपको के लिए खाना पैदा करने के लिए बाप जो ठंड में, गर्मी में और बारिश में बाहर खड़े रहते हैं उनको अपनी आंखों के सामने रखें। ये चीजें अगर आंखों के सामने होंगी, ये दिमाग के बीच में अगर चीजें हम फिल्म बना करके रखते हैं, तो फिर हम कभी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते। और अंत में आप सब से मैंने एक बार पहले भी निवेदन किया था, इस माध्यम के द्वारा कुछ कंटेस्ट यानी प्रतियोगिताएं रखी गई। सबसे पहले एक वीडियो मेकिंग कंटेस्ट था, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बड़ी अच्छी वीडियोस आई भी थी। कुछ वीडियोस जो सिलेक्टेड थी वो स्कूल के चैनल पे अपलोड की गई, सभी लोगों ने उनको देखा। बाद में मदर्स डे के ऊपर पोइम रिसाइटेशन कंपटीशन था, कार्ड मेकिंग कंपटीशन था, कार्ड भी आए थे बड़े अच्छे अच्छे, उनको भी सिलेक्ट किया गया। पोइम रिसाइटेशन की जो वीडियोस थी वो भी अपलोड की गई, आप सबने देखी, बड़े अच्छे उनको व्यूज मिले हैं। मैं आप यहां से डिक्लेयर कर देता हूं कि जिस वीडियो को कंटेस्ट में सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे वही विनर होगा। और जब हम परमात्मा की दया मेहर से स्कूल में आएंगे तो वो सारे बच्चे जो हैं उनको प्राइजेस मिलेंगे। और इसके अलावा आगे भी इस तरह के कंटेस्ट होते रहेंगे, बीच बीच में उसके मैसेज आपको आते रहेंगे। माँ बाप से मेरी दरख्वास्त है कि सारे पेरेंट्स कोशिश करें अपने अपने बच्चों को ये जो कंटेस्ट रखे जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर करवाएं। बच्चे साथ में जुड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे। और फिर अंत में आप सब की सेहत की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत नमस्कार।